रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जो नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम बना रहे हैं समोसा कोन, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो पास्ट टाइम समोसा नहीं खाने को दिल करता, तो हमने कहा चलो समोसा कोन बनाते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन 2 चम्मच खाने के, हमने कूटा हुआ लहसुन लिया है। लहसुन डालने के साथ ही हम जीरा भी डाल देंगे और 2-3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। जीरा हमने 1 चम्मच लिया है, 1 खाने का चम्मच। लहसुन और जीरा हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 3-4 मैंने चिकन की बोटियाँ ली थी, उनको उबाल के रेशे रेशे कर लिया है, तो ये डालेंगे। ये तकरीबन 1 डोंगी मेरी बनती है, इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे। ये 2 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको बारीक बारीक काट लिया। ये मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी, उसको बारीक बारीक काट लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे, 2 मिनट बस फ्राई करेंगे। अब शिमला मिर्च को हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें हम बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी मैंने 1 मुट्ठी ली है बारीक कटी हुई, वो डाल देंगे। और 1 आलू हमने लिया था, इसको उबाल लिया और इस तरह बारीक बारीक काट लिया क्यूब में, इसको डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट। यहाँ पे हमने जो मसाले इसमें डालने हैं वो ये है। यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला लिया 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च ली हमने 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च लिया 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे हसबे जायका, और ऑरेगानो लिया मैंने 1/2 खाने का चम्मच, और चिकन पाउडर लिया 1/2 खाने का चम्मच। अब ये हमारी सब्जियां होगी अच्छी तरह फ्राई। अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे जो बताए हैं। अब इन मसालों को मिक्स करेंगे। आंच को हमने मीडियम रखना है। जब हमने सब्जियां फ्राई करनी है तब आंच हमारी तेज़ होगी। उसके बाद हमने अब आंच मीडियम कर दिया, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये चिली सॉस। चिली सॉस 1 खाने का चम्मच लिया, सिरका लिया 1/2 खाने का चम्मच, लेमन जूस लिया 1/2 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह हमने सोया सॉस चिली सॉस मिक्स कर लिया। अब ये मैक्रोनी हमने ली है 1 कप मैक्रोनी, उनको हमने उबाल लिया था। ये उबली हुई मैक्रोनी हम डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए मैक्रोनी मैंने अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई कर ली है मसालों के और सब्जियों के साथ। अब ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। समोसा कोन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 चम्मच मैदा लिया, इसके अंदर हम पानी डालेंगे, इसका मिक्सर बना लेंगे मैदे और पानी का। ये देखिए मैदे और पानी का जो घोल हमने बनाया वो इस तरह रखना है। ये देखिए हमने ये रोल पट्टी ली है समोसा कोन बनाने के लिए, तो इसको पहले हम इस तरह फोल्ड करेंगे ऐसे। ये इसके ऊपर हम ये मैदा और जो पानी हमने घोला था ये पहले लगाएंगे, इस तरह इसको चिपका देंगे यूँ। अब इस तरह हमने फोल्ड कर लिए, तब इसके ऊपर दोबारा हम ये मिक्सचर लगा देंगे, ये जो घोल हमने रखा है मैदे का और पानी का। अब इसको हम इस तरह कोन की शेप देंगे, साथ इधर प्रेस करते जाएंगे। ये देखें फिर यहाँ पे आके दोबारा इसके ऊपर हम ये लगाएंगे और फिर इसको इधर तक फोल्ड कर लेंगे। ये सारा फोल्ड कर लिया। ये देखें ये कोन बन गई। ये देखें अंदर से भी ये दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ये देखें इस तरह ये कोन बन गई, ये सारी इस तरह।
ये देखें इस तरह। अब इसके अंदर जो हमने फिलिंग तैयार की वो डाल लेंगे, ये देखें ये फिलिंग डाल लेंगे। अच्छी तरह इसके अंदर फिलिंग भर देंगे। अब इसको इस तरह प्रेस करेंगे और ऊपर ये फिर लगा लेंगे। और इस तरह करके यूं ये देखें ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए तैयार होगी हमारी कौन समोसा। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। ये देखिए हमारी समोसा कौन तैयार होगी है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया है। ये देखिए इस तरह हम सारी डालती जाएंगे। ऑयल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना वरना फिर ऊपर से तो ये पक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं, इसलिए हम हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए साथ साथ हम इनको पलटते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। इसी तरह हम पलट पलट के इनको पकाएंगे। फिर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। ये तैयार होगी हमारी कौन, अब निकाल लेंगे। तैयार है हमारे बहुत ही जबरदस्त ये समोसा कौन। और आप भी अपने घर में ये लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको कैसे लगे। और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।